जिस तरह के सबूत मुनीष हाथ लगे हैं जांच एजेंसियों के, क्या उससे जुड़ी भी आप कोई जानकारी दे सकते हैं? कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि पीएफआई एक्टिव, ना सिर्फ एक्टिव था बल्कि वहां पर जो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज की बात हो रही है, इस तरह की गतिविधियां सबसे ज्यादा तेज थी? जी देखिए, अगर बात करें कि राज्यों से, तो कर्नाटका और केरल दो ऐसे राज्य थे जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ना सिर्फ फल फूल रहा था बल्कि वहां पर लगातार एक के बाद एक जो मुस्लिम युवा थे उन्हें ना सिर्फ पीएफआई बल्कि जो बाकी के टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आईसिस की बात कर लिया, वहां पर भी उनको रेडिकलाइज किया जा रहा था ताकि वो इस तरह की आतंकी घटनाओं में ना सिर्फ शामिल हों बल्कि उन आतंकी संगठनों का मेंबर भी बने। अगर बात करें कि पीएफआई को लेकर जांच कब से शुरू है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहला मामला जो पीएफआई का आया था हिंदुस्तान में वो साल 2013 में था, जिसके बाद में एनआईए ने उसमें सिर्फ ना सिर्फ एफआईआर दर्ज की बल्कि उन्होंने चार्जशीट भी फाइल किया और चार्जशीट में ये बात बिल्कुल सामने आ गई थी कि पीएफआई और पीएफआई से जुड़े हुए जो संस्था है वो कहीं ना कहीं उस घटना में शामिल थे जिसमें कि जो आतंकी घटना उसको करार दिया गया था। उसके अलावा चार और मामले पीएफआई के एनआईए को दिए गए थे। अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की पुलिसों के पास में कम से कम एक दर्जन से ज्यादा मामले थे। हाल फिलहाल में जो जांच हुई उससे ये बात सामने निकल कर आई कि पीएफआई जो है वो देश में जो मुस्लिम युवा है उनको कहीं ना कहीं भड़का रहा है और उनको आतंकी संगठन आईसिस या उस तरह की जो दूसरे संगठन है उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके अलावा जगह जगह पर, चाहे कर्नाटक केरल की बात कर लें या हाल ही में बिहार की बात कर लें, वहां पर बाकायदा ट्रेनिंग कैंप दिए जा रहे थे या आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे जहां पर जो युवा थे उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि किस तरह से अगर कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है, बीजेपी और आरएसएस के अगर नेता है तो उनको किस तरह से टारगेट किया जा सकता है। एक कराटे क्लास की बात आई थी जहां पर कराटे के नाम पर ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकी संगठन की। इन सभी मामलों को अगर छोड़ भी दे जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो जो हाल फिलहाल में बड़े मामले थे दिल्ली में दंगे हुए थे उसके पीछे किस संगठन का नाम आया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोगों का, हाथरस में गैंगरेप होता है माहौल खराब करने के लिए पीएफआई के लोग पहुंचते हैं, तो इन सभी घटनाओं में जब पीएफआई के लोगों का नाम सामने आया उसके बाद ही सरकार ने कवायद शुरू कर दी थी कि पीएफआई के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर उसे बैन कर देना चाहिए। जी मुनीषा बने रही है हमारे साथ, जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले आज तक पर बताई थी कि कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, बैन लगाया जा सकता है। जितेंद्र के पास चलेंगे। जितेंद्र, और क्या कुछ डेवलपमेंट अब तक हुआ है इस फैसले आने के बाद? देखिए मल्लिका, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई है, 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ये गृह मंत्रालय का एक बहुत बड़ा फैसला है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें वो तमाम जानकारियां दी गई हैं, वो सीरीज में जानकारी बताई गई है कि आखिर क्यों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बैन लगाया गया, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से इसकी गतिविधियां दिखाई पड़ रही थी, जिस तरीके से जांच एजेंसी, चाहे एनआईए हो, ईडी हो, उन लोगों ने पूछताछ किया था जो रिंग लीडर्स हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गतिविधियां बहुत ही संदेहास्पद थी, उसकी जानकारी बाकायदे गृह मंत्रालय को एक डॉजियर बना करके एनआईए की तरफ से दिया गया। यही नहीं, जो फंडिंग विदेशों से हो रही है या फिर अन्य देशों से हो रही है, उन फंडिंग की जानकारी ईडी की तरफ से दी गई। कई राज्यों में जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अलग अलग तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 15 राज्यों में इस वक्त सक्रिय है, ऐसी जानकारी गृह मंत्रालय के पास अलग अलग एजेंसियों के जरिए आ चुकी है। तो इन्हीं तमाम चीजों के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। एनआईए ने पिछले कुछ दिनों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज किया है जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों के नाम शामिल हैं। इस वजह से आज की जो कार्रवाई है वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि कई राज्यों की तरफ से मांग भी पहले की जा चुकी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया जाना चाहिए और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियां सही तरीके से नहीं है, देश के खिलाफ गतिविधि चल रही है, इसी वजह से इतना बड़ा पैन इंडिया ऑपरेशन 22 सितंबर को किया गया। आपने देखा कि दूसरे राउंड का जो एक ऑपरेशन किया गया एजेंसियों की तरफ से वो 27 सितंबर को किया गया और उसके बाद आज जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है और 5 साल तक के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन है उसमें लाइन बाई लाइन
तमाम जानकारियां लिखी हैं कि इससे जुड़े हुए जो दूसरे संस्थान है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उसमें अलग अलग तरीके के कामों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, चाहे वो आतंकी गतिविधि हो, टेरर फंडिंग करने का मामला हो, उन तमाम चीजों में ये शामिल रहा है और इसी वजह से इतना बड़ा एक्शन किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दो राउंड की जो ऑपरेशन एजेंसियों की तरफ से किया गया था उसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पहले राउंड में, और उसमें 106 लोगों से जो पूछताछ हुई थी उस पूछताछ में कई खुलासे हुए थे। उस खुलासों के आधार पर 27 सितंबर को दूसरे राउंड की जो वहां पर छापेमारी की गई उसमें भी कई जानकारियां मिली और इसके आधार पर एक्शन लिया गया। साथ ही कुछ इलाकों में जहां पर ये आशंका थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग जो हैं वो किसी तरीके से हंगामा कर सकते हैं, इसलिए आपने देखा कि दिल्ली के शाहीन बाग के इलाके में या कई अन्य इलाकों में धारा 144 भी लगा दी गई और ये बताया गया कि इस इलाके में 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं घूम सकते हैं। तो पहले से ही सरकार ने चारों तरफ से तैयारी कर ली थी और उसके बाद अब आपने देखा कि पीएफआई और उससे जुड़े हुए जो संगठन है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। ये बड़ा एक्शन है क्योंकि कई सालों से पीएफआई के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि उसने, चाहे उस ये एनआरसी का मामला हो या फिर कर्नाटक में जो हिजाब विवाद का मामला था, इन तमाम मामलों में पीएफआई पीछे से फंडिंग कर रहा था और इसमें फंडिंग को लेकर के विदेशों से भी पैसा आ रहा था। तो इसकी भी जानकारियां गृह मंत्रालय के पास अलग अलग एजेंसियों के जरिए पहुंची हैं और उसके आधार पर इस तरीके का एक्शन लिया गया है। मलिका बिल्कुल, लेकिन दर्शकों को अगर आप जितेंद्र ये भी समझा सकें कि इस प्रतिबंध का क्या मतलब है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत केंद्र सरकार ने अगर किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी संगठन बताया है तो उसके क्या मायने होते हैं? देखिए, यूएपीए के तहत जो इसके ऊपर एक्शन लिया गया है इसके मायने ये हैं कि देश में जिस तरीके की ये गतिविधि कर रहा था उस गतिविधि पर अब इस पर रोक लगेगी और किसी भी तरीके से ये इन तमाम चीजों पर शामिल नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज के साथ साथ जो एजेंसियों ने एफआईआर भी दर्ज किया है, 5 FIR उसमें भी यूएपीए एजेंसियों की तरफ से लगाया गया, यानी कि ये संस्थान जो है टेरर एक्टिविटी में शामिल रहा है और वो इन तमाम चीजों को बढ़ावा देता है, चाहे वो फंडिंग की बात हो या फिर अन्य चीजों की बात हो। तो अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने ये बताया है कि जो इस प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए इंडिविजुअल हैं उनको भी डेजिग्नेटेड घोषित किया जा सकता है जल्द ही, क्योंकि इस तरीके से जो इसके मुख्य रिंग लीडर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी पहले राउंड में एनआईए और ईडी की तरफ से किया गया था, उन लोगों की गतिविधियां काफी संदेहास्पद हैं और वो टेरर एक्टिविटी में शामिल हैं। ऐसे में उनको भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी समय लगेगा क्योंकि इंडिविजुअल जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए अलग अलग लोग हैं उनके खिलाफ सबूत एजेंसियां इस वक्त इकट्ठा कर रही हैं और उसके आधार पर आगे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज का जो ये एक्शन है पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों पर और पीएफआई पर जो पाबंदी लगाई गई है ये महत्वपूर्ण है और इसके खिलाफ कार्रवाई काफी दिनों से तैयारी गृह मंत्रालय की तरफ से चल रहा था वो आज पूरा किया गया है।